अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं प्रॉन्स टिक का बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने ये कुछ न्यू रेसिपी है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो टिक्का बिरयानी बनाने के लिए पहले मैं जो है प्रॉन्स को मैरिनेट कर लूँगी, उसके बाद का आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगी। तो इंग्रीडियंट्स आप देख लो। तो यहाँ पे मैंने बिरिस्ता के लिए प्याज इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, एक टमाटो को चॉप कर लिया है, पटाटे को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया। आप चाहे तो इसको अलग शेप में भी कट कर सकते हो। और ये मैंने फ्राई करने के लिए मिर्ची ली है, ये टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना है, आपके ऊपर है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे मैंने लिया है सारे ड्राई स्पाइसेस, जिसमें है धनिया पाउडर जो बड़े जो ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, और धनिया पाउडर झींगे के कोई भी प्रॉन्स के कोई भी ग्रेवी हो या पुलाव हो बिरयानी हो उसमें ज़्यादा ही डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची ली पाउडर लिया है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और ज़ीरा पाउडर लिया है। और अके गरम मसाले में सिर्फ जाएगा ये तेज़पत्ता बस। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब एक बाउल में हम मैरिनेशन रेडी कर लेंगे, जिसमें हम पटेटो और मिर्ची और प्रॉन्स को जो है मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने लहसुन पेस्ट डाला है, धनिया पाउडर जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और ज़ीरा पाउडर सब मैंने इसमें डाल दी है। सिर्फ अक्खा जो तेज़पत्ता था वो नहीं डाला है, और आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाला है। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मसाला मिक्स हो गया, और इस मसाले में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे चम्मच के करीब इस तरीके से पानी डाल देंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैरिनेशन जो रेडी किया था उसमें हम पोटैटो डाल देंगे और हल्का सा कोट कर लेंगे, और उसके बाद मिर्ची डाल के उसको भी हल्का सा उसमें कोट कर लेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है उसमें हम प्रॉन्स को कोट कर लेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पिरिस्ता के लिए तेल गर्म करने रख दिए थी मैंने, प्याज को इसमें डाल देंगे। तो जैसे प्याज फ्राई हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, वैसे ही हम उसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह हमें मसाला रेडी करने के लिए तेल गर्म कर लिया है, और यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ बटाटा, मिर्ची और प्रॉन्स में सब एक एक करके फ्राई कर लूँगी। तो अभी मैं बटाटा फ्राई कर रही हूँ, और इस तरीके से हम लोग एक एक करके जो है बटाटे को फ्राई कर लेंगे, वही मैं तेल में, वही पैन में जिसमें हमने मसाला रेडी करना है बिरयानी का। बटाटा फ्राई करके मैंने निकाल लिया था, अब मिर्ची फ्राई हो रही है, मिर्ची भी मैं निकाल लूँगी अभी हल्का सा फ्राई करके। इस तरीके से हमको बस फ्राई कर लेनी है मिर्ची को, और फिर उसके बाद प्रॉन्स को फ्राई कर लेना है, और वही ऑयल में हमने ग्रेवी भी रेडी करनी है मैं बिरयानी के लिए। यहाँ प्रॉन्स को मैं हल्का सा दोनों साइड से फ्राई कर लूँगी। तो पहले एक एक करके हमने इसे ऐसे डाल देना है तेल में। आप चाहे तो डीप फ्राई करके भी निकाल सकते हो, जो तेल में आपने बिरिस्ता रेडी किया था उसी तेल में। पर अगर हम इसमें, एक तो ग्रेवी का ज़्यादा अच्छा टेस्टी टेस्ट आएगा, इसीलिए मैंने इसमें अलग से पैन में बनाया है। तो यहाँ प्रॉन्स जो है फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे, और दूसरी तरफ हम चावल बनाने की तैयारी करेंगे। तो चावल बनाने के लिए मैंने पहले चावल को वॉश कर लिया 3 बार, और इसको 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो चावल बॉईल करने के लिए मैंने इसमें नमक डाला है, और अच्छा खासा ज़्यादा ही पानी डाला है ताकि अच्छे से चावल बॉईल हो जाए, और नमक आप टेस्ट के हिसाब से आपके डाल सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाल देना है, तेल और तेज़पत्ता जो है हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेज़पत्ता डाल के चावल को अच्छे से उबाल लेंगे। मतलब हाफ कुक करना है हम लोग को बस चावल को, बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे जो पैन में हमने सब चीज़ें फ्राई की थी वही पैन में अभी हम तेज़पत्ता डालेंगे, और टमाटर और सारे मसाले जो थे बचे हुए, और लहसुन का पेस्ट, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर
वो सब हम डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मैं पहले टमाटर डाल रही हूँ, फिर हम इसमें हल्दी, नमक, ज़ीरा और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और जो बचा हुआ मैरिनेशन मसाला था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और बार बार मेरे मुंह से जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ही निकल रहा है, पर ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, तो आप लहसुन का पेस्ट ही डालिएगा सिर्फ। थोड़ा सा हम इसमें जो है बिरिस्ता हमने जो फ्राई करके रखा था वो भी डाल देंगे। तो ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे भूनना है, और हमने जो बिरिस्ता रेडी किया है वो भी एक मुट्ठी हम इसमें डाल देंगे। तो ये एक मुट्ठी बिरिस्ता मैं इसमें डाल रही हूँ, और साथ ही साथ जो हमने दही लिया था वो भी हम उसमें डाल देंगे ग्रेवी में, दही और टमाटर और दही, टमाटर गलने तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ चावल भी हमारा हाफ कुक हो गया है, और चेक करना है हाथ से तोड़ के दो टुकड़ों में टूट जाता है या नहीं एक ही बार में। तो और इसको अभी हम छान के साइड में रख देंगे चावल को। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी भी बन के रेडी हो गई है। अब हमने जो चीज़ें फ्राई की थी, प्रॉन्स और बटाटा और मिर्ची, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे, और बस इसको दो से तीन मिनट हम इसको ढाक के पकाएंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्रॉन्स इसमें डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे और मसाले में इसको अच्छे से मिक्स करके इसको दो मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसमें क्लो कोयले का स्मोक दे रही हूँ, उसके लिए मैंने सिर्फ एक मिनट इसको स्मोक देना है, उससे भी कम कोयला रख दिया है, और इस पे हल्का सा घी डाल दिया है। और अब इसको ढककर सिर्फ एक मिनट से भी कम मैं इसको स्मोक दूंगी, ताकि तंदूरी का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरीके से पूरा आधे से ज़्यादा ही निकालूंगी। इस तरीके से आप चाहे तो पूरा मसाला बेस में रख के फिर उसके ऊपर से चावल भी डाल सकते हो, पर मैंने इस तरीके से किया है कि मैंने तीन लेयर्स बनाए हैं। पहले थोड़ा सा तेल नीचे मसाले के साथ रखा है, उसके ऊपर चावल रख डाला है, फिर उसके ऊपर वापस से मसाला और मिर्ची, और फिर मैं एक और लेयर जो है चावल की डाल दूँगी, बाकी जो रिमेनिंग चावल है वो भी मैं इस पर डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको दम दिया है। से चावल की लास्ट लेयर लगाने के बाद में इसमें जो है बिरिस्ता जो हमने रेडी करके रखा था वो इस पर डाल देंगे, कोथमीर जो हमने कट करके रखी थी वो भी इस पर लगा देंगे, और आपके पास जो भी फूड कलर है अवेलेबल वो भी हम इस पर थोड़ा सा छिड़क देंगे। तो अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप पाउडर वाला फूड कलर भी थोड़ा सा पानी में मिक्स करके बिरयानी के ऊपर से डाल सकते हो। और मैंने मिर्ची भी उसके ऊपर एक लास्ट रख दी है जो मैंने फ्राई की थी। तो फिर उसके बाद हम तवा जो नीचे रख के गैस ऑन कर लेंगे, और तवा रख के इसको यहाँ बिरयानी रेडी हो गई है। घंटे तक ये जब तक आप है और नहीं आप हम इसको सर्व कर देंगे खाने के लिए, और फिर आपकी बिरयानी जो है बनके यहाँ पे हम जो है बिरयानी खाने के लिए निकाल रहे हैं, और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, अगर और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।